नेचर इज कॉन्स्टेंट, धूप तो वही है ना, बारिश भी वही हो रही है, ठंडा भी वही है, सबका एक बैलेंस है, बट बैलेंस इज नॉट इन द ह्यूमन बीइंग। टॉक्स क्लब, कीप टॉकिंग कीप लर्निंग। गुड आफ्टरनून। मेरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल, देन फिर उसको टॉपिक के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं एक दिन अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी और विंटर था, वो विंटर सीज़न चल रहा था, बहुत धूप थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। विंटर सीज़न में धूप तो सबको पसंद आती है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने उसे कहा, कितनी अच्छी लग रही ना ये धूप, धूप कितनी अच्छी लग रही है। फिर अचानक मेरे मन में हुआ, ऐसा क्यों होता है, अभी धूप अच्छी लग रही है, जैसे ही समर इंटर करेगा ये धूप पसंद नहीं आएगी, अभी अचानक बारिश हो जाए तो अच्छी लग रही है, कंटिन्यू फ्लड आ जाए तो अच्छी नहीं लगती, कभी थोड़ा थोड़ा ठंड लगे तो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा आ जाए अच्छी नहीं लगती। तो वो मुझे बोलता है कि ऐसा क्यों होता है, किस में है ये। देन मैं साइलेंट हो गई। कुछ दिन बाद मैं उससे फिर मिली, वेदर बहुत ही अच्छा था। मैंने फिर कहा, वेदर तो बहुत मस्त है। बोला देन, आज उसका रिप्लाई, इसका मतलब सब कुछ कॉन्स्टेंट है बट वी आर नॉट, वी आर रिप्रेजेंट हियर ह्यूमन बीइंग। नेचर इज कॉन्स्टेंट, धूप तो वही है ना, बारिश भी वही हो रही है, ठंडा भी वही है, सबका एक बैलेंस है, बट बैलेंस इज नॉट इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कोई बैलेंसेज नहीं है, आज अच्छी लग रही है कल अच्छी नहीं लगेगी, सब कुछ डिपेंड है हमारे सोच में। ये कॉन्स्टेंट जो है वो नेचर है, बट द ह्यूमन बीइंग इज नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग। हमारा जो थिंकिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल, बेल, स्कूल की वो घंटी, एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। सुबह जब मॉर्निंग बेल लगती थी, उदास होकर के अब तो पढ़ना पड़ेगा, एट सब्जेक्ट्स और जो भी सब्जेक्ट होते अब तो पढ़ना पड़ेगा। सेम वही बेल जब छुट्टी को लगती थी, तब आप घर निकलो, भागो यहाँ से, लाइक कि जितनी जल्दी, कैसा है ना, बेल तो वही है, बेल में तो चेंज नहीं कर दिया ना प्रिंसिपल ने कि बदल दिया लाइक बेल को जाकर, सुबह का बेल अलग था, नहीं, बेल तो सेम था, बट द थिंकिंग, एक ही चीज उसके अलग मायने। एक एग्जाम्पल और लूंगी, हम लोग 12th में एक बुक पढ़े थे, सबने पढ़ा होगा, वो लेखिका जब एक लुकासा इंजामिया बोलकर एक जू है, वो जब उस जू में जाती है तो जू में तो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत एनिमल्स होते हैं, बट जब वो जाती है केज के आसपास देखती है, देर इज नो इनसाइड द केज, देर इज नो एनिमल, बट अ मिरर, बट अ मिरर हिडन, बट अ मिरर। लेखिका जब वहाँ खड़ी होती है मिरर के पास, देखती है रिफ्लेक्ट, उसे उसकी परछाई मिरर में उसको चेहरा दिखता है, नीचे क्या लिखा रहता है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। नाउ दिस डेज एनिमल इज नॉट डेंजरस, बट ह्यूमन बींग इज रिप्रेजेंट द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। क्यों, क्यों ह्यूमन बींग को मोस्ट डेंजरस एनिमल बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द थिंकिंग। सब कुछ सोच पे डिपेंड है, सब कुछ जो भी है सोच पे, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे ना इम्प्लीमेंट, जैसा आप सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा, है ना। भगवद गीता उपदेश बाय लॉर्ड कृष्णा, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, एक समुद्र है, कोई उसी ओशियन में दूर से ओशियन को देखता है, कोई उसी सागर में अपने पैर भिगोता है, कोई उसी सागर में एक मोती निकाल लेता है, कोई उसी सागर में अपना आरंभ देखता है, कोई उसी सागर में अपना अंत देखता है। सागर एक है बट द प्रकृति, दैट मीन्स अ नेचर, इज वेरी डिफरेंट। सोचने का तरीका, थिंकिंग तरीका, आज अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, वही चीज़ है, और कल वही चीज़ होगा अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, फॉल्ट नेचर में है, नहीं, फॉल्ट हम में है, ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि हम लोग का नज़रिया बदल रहा है। बी केयरफुल बिकॉज थिंकिंग इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन, आप जैसा सोचोगे आप वैसे ही करोगे, तो क्यों ना इसको अच्छा सोचा जाए, अच्छी तरह यूज़ किया जाए इसको, क्योंकि जैसा सोचोगे आप वैसे ही बनते चले जाओगे, अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे, बुरा सोचोगे बुरा बनोगे, और आपके साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी सोच से बहुत अफेक्टेड होते हैं, तो थिंक पॉजिटिव, इट इज़ लाइक अ वेपन, अच्छा सोचो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।